तो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले रामगढ़ के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस में जोश का संचार कर दिया है। इसे अशोक गहलोत के लिए सरकार बनने के बाद पहली बड़ी राजनीतिक सफलता कहा जाएगा। राहुल गांधी का किसान कर्ज माफी का कार्ड और सेकुलर पॉलिटिक्स भी रामगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में सफलता की गारंटी साबित हुई है। पूरे चुनावों में कांग्रेस में जमीनी एकता नजर आई तो बीजेपी में एकजुटता के साथ मुकाबले का अभाव नजर आया। चलिए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट भी। वसुंधरा शासन काल के आखिरी चरण में अलवर लोकसभा के उपचुनाव हुए थे। उसी समय जमीनी सियासी हालात नजर आ गए थे कि डॉक्टर करण सिंह यादव के सामने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव नहीं टिक पाएंगे। कांग्रेस के मैनेजमेंट की कमी से तब करण सिंह की जीत बड़ी तो थी लेकिन विराट नहीं थी। जसवंत यादव को अत्यधिक आत्मविश्वास ले डूबा। भंवर जितेंद्र सिंह ने सियासी चातुर्य उस समय दिखाया, हालांकि बीजेपी थिंक टैंक अलवर में हार मानकर चल रहे थे। इसका एहसास उस समय वहां कैंप कर रहे तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को हो गया था। इसके बाद विधानसभा के चुनाव आ गए। कांग्रेस को यहां भारी जीत की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तिजारा में दुर्रू मियां करण सिंह यादव चुनाव हार गए। थाना गाजी और किशनगढ़ बास में कांग्रेस की करारी पराजय हो गई। बहरोड, तिजारा, किशनगढ़ बास, थाना गाजी में गैर कांग्रेस गैर भाजपाइयों ने जीत दर्ज कर ली। बीजेपी का तो और भी बुरा हाल रहा। रामहेत यादव, रोहिताश्व शर्मा जैसे दिग्गज परास्त हो गए। कुल मिलाकर अलवर जिले में विधानसभा चुनावों के परिणाम बेहद चौंकाने वाले रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस का मिशन रामगढ़। सबसे पहले तय हुआ जुबैर नहीं साफिया उम्मीदवार होंगी। पर्दे के पीछे जुबैर खान रणनीति बनाएंगे। पढ़ी लिखी साफिया की इमेज का सियासी लाभ होगा। फिर जाहिदा के कारण नाराज मेवों को साधा गया और ये काम किया अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह। अविनाश पांडे ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए डॉक्टर रघु शर्मा को फील्ड में भेजा, जहां रघु शर्मा ने ब्राह्मण फैक्टर को भी साधने का काम किया। कांग्रेस को पता था ज्ञानदेव आहूजा के नहीं होने का लाभ मिलेगा, लिहाजा कांग्रेस ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। किसान कर्ज माफी के फैसले को भुनाने का पूरा प्रयास किया। कांग्रेस ने रामगढ़ में सेक्युलर पॉलिटिक्स का सहारा लिया और कामयाब रही। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरों ने यहां कांग्रेसियों में जोश भर दिया। पुराने राहुल फॉर्मूले को अपनाते हुए कांग्रेस ने यहां गहलोत पायलट के साझा दौरे कराए। अविनाश पांडे साथ साथ रहे, इसका लाभ मिला। रामगढ़ में पिछले 10 सालों से बीजेपी विधायक रहा लेकिन विकास नहीं होना यहां का बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेसियों ने इसका सियासी लाभ लिया। मेवात के रामगढ़ में ये मिथक पिछले कुछ सालों से रहा है। जब राज्य में कांग्रेस होती है यहां विरोधी दल का विधायक बनता है। ये मिथक भी साफिया की जीत से टूट गया। मेव मुस्लिम और दलित वोट यहां कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड बना। भारतीय जनता पार्टी ने शायद रामगढ़ चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। विधानसभा चुनावों में मिली पराजय की निराशा से उबरने का अच्छा अवसर हो सकता था लेकिन ऐसा बीजेपी कर नहीं पाई। क्या कारण रहे बताते हैं। पहली गलती उम्मीदवार चयन में हुई। ज्ञानदेव आहूजा के टिकट कटने से सही संदेश नहीं गया, इससे बीजेपी हिंदू कार्ड को आंच आई। वसुंधरा राजे का फेस आगे रहता तो मुकाबला संघर्षपूर्ण हो सकता था लेकिन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया दोनों का यहां खास प्रभाव नहीं दिखा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने बिसात बिछाने की कोशिश की लेकिन अलवर उपचुनाव जैसी गलतियां हो गईं। मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों से नुकसान हुआ। बीजेपी के प्रचार में एकता का अभाव दिखा। सामान्य और ओबीसी वोटों को साधने की प्लानिंग ठीक ढंग से हो नहीं पाई। कुशल संगठक वीरम देव को ग्राउंड पर भेजा लेकिन उनके दिए इनपुट पर समय रहते नेतृत्व ने समुचित एक्शन नहीं लिया। बीजेपी को लगा कि बसपा के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने से लाभ मिलेगा, हालांकि ये देवा स्वप्न साबित हुआ। बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ में कोई पुराना सुनहरा इतिहास नहीं है। जगत सिंह ने मुकाबले की कोशिश की मगर उन्हें कैडर का साथ नहीं मिला। अत्यधिक आत्मविश्वास से भी नुकसान हुआ। जगत सिंह को जिला बदलने से नुकसान हुआ। कांग्रेस ने मेव वोटों में सेंध नहीं लगने दी। चुनाव परिणामों के बाद राज्य की विधानसभा में कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। साथ ही लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी पर मानसिक रणनीतिक बढ़त बनाने का प्रयास किया है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो रामगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है और इसका उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों तक नजर आ रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों का दावा भी है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश के सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी। एआईसीसी के राष्ट्रीय सदस्य धर्मेंद्र राठौड़ और राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया संवाददाता दिव्य गौड़ ने। अलवर विधानसभा चुनाव की जो नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस ने एक बार फिर अलवर विधानसभा की जो सीट है वो कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली है। हम बात करते हैं एआईसीसी के मेंबर
धर्मेंद्र राठौर जी से कि किस तरीके से चुनावी रणनीति रही और किस तरीके से आगे इन्होंने ये मुकाम को हासिल किया। इस जीत का श्रेय पूरी तरह से रामगढ़ की जनता को और अलवर की जनता को है। जनता ने पूरा भरोसा किया कांग्रेस पार्टी पे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पे, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने तीसरी बार आदरणीय अशोक गहलोत जी पे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय सचिन पायलट साहब, और पूर्व केंद्रीय मंत्री AICC के महासचिव प्रभारी उड़ीसा माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, और वहाँ के जो इंचार्ज मिनिस्टर लगाए डॉक्टर रघु शर्मा जी, ममता भूपेश जी, वैभव गहलोत जी, इन सब ने, और जुबेर खान जी जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसे चुनाव लड़ा। चौधरी जी, आप भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं राष्ट्रीय संगठन के, अब विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी है, प्रियंका गांधी भी सक्रिय रूप से राजनीति में आ चुकी हैं, तो किस तरीके से देखते हैं 2019 की जो तस्वीर है? देखिए, आज खासतौर से राजस्थान में तो स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी 25 के 25 सीट जीतने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक शक्तियों को लेके जो चुनाव को जीतना चाहते थे उनको जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ दिव्य गौड़, फर्स्ट।